हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज़, फाइनली हमारा जो बजीज़ है वो अडल्ट वेयर हमें मिल गए और काफ़ी फ्रेश माल है जो कि काफ़ी खोजने के बाद हमें मिला और आज हम इस एवरी में रिलीज़ करेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर से दिखाएंगे, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड गाइज़, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें ये लो, एक निकला। सबके सब जमीन में ही हैं, क्या बात है। अपने से निकलने दो ना, उसको रख दो। ये लो, एक के बाद एक, मतलब मेरे ही पास आ रहे हैं सबके सब, मेरे ही पास आ रहे हैं, जो कि काफ़ी फ्रेश माल है, एकदम फ्रेश माल है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये लो, अभी से उड़ के आया मेरे पास। ये लोग जमीन में ही हैं, क्यों बात, ये तो हैंड टाइम लग रहे हैं, ऐसे जमीन में बैठे हैं। एक अल्बिनो का रेड आइस मिल गया है जो कि मेल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। अल्बिनो जो एकदम वाइट होते हैं ना, तो कुछ अलग ही फील आता है उनको देखकर। ये अभी जितने भी खुल रहे हैं ये सारे के सारे हमारी मेल हैं और फीमेल अभी सारी के सारी नीचे हैं। और ये एक लगा हुआ पेयर है, एक भाई पूरा केजी अपना सेल कर रहा था, मतलब जितने थे उनके पास सारा सेल कर रहा था और वो उसे जाना था सऊदी, तो मैंने सारा का सारा ले लिया, एक भी उसके पास नहीं छोड़ा। तो काफ़ी फ्रेश माल है मेरे हिसाब से, एकदम फ्रेश है। इसको हम लोग लगभग एक हफ्ते के बाद मटकी दे देंगे, क्योंकि ये अडल्ट पेयर है, कोई पट्टे नहीं है कि पहले ही हम अडल्ट करेंगे। एक तो अभी नीचे ही है, खोल देखो। थोड़ा सा उसकार से निकाल देना। हाँ ये लो, अभी रास्ते से निकल रहे हैं, मतलब एक के बाद एक निकल रहे हैं, दोनों साथ में ही निकल रहे हैं। अभी काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी जगह है ना, 6x4 का मतलब काफ़ी बड़ी होती है, 20 पेयर आराम से रह सकती है एकदम खुशी खुशी। लेकिन ये पूरा 20 पेयर नहीं है, 11 पेयर है। तो इसके लिए ये लो, मेरा फेवरेट जो था वो उड़ा है अभी, अल्बिनो का रेड आइस, और बाकी एक के बाद एक निकल रहे हैं सब, बस बचे हैं अभी 3। बस एक बचा, बस एक निकल जाए, बस वीडियो को एंड कर देंगे। निकाल दो उसको, निकाल दो। एक और निकल जा भाई, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। ये लो, ओ भाई साहब, सो सारे के सारे निकल गए एक के बाद एक, सारे के सारे इधर ही चटके हुए हैं और कुछ उस पार भी हैं। ठीक है, तो इनको अभी हम दाना इसके केज के अंदर ही रखा हूँ, तो अभी इसको टब के अंदर मैं दाना दे दूंगा और पानी भी दे देंगे। सो उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।